तो आजकल हमारे घर काफी छोटे हो गए हैं, बेडरूम्स और भी छोटे हो गए हैं और इन छोटे छोटे बेडरूम्स में 30-40% से ज्यादा जगह लेता है हमारा बेड। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कमरा लगे सुंदर और स्टाइलिश तो जरूरी है कि आप खास ध्यान दें अपने बेड के ऊपर और अपने बेड को कुछ इस तरह स्टाइल कीजिए ताकि आपका बेड लगे सुंदर और स्टाइलिश और इन्वाइटिंग और जब आप काम से थके हुए घर आए तो कमरे में जाते ही आपको लगे बस यही चाहिए था। तो अगर आपके पास सिर्फ 2 या 3 चादरें हैं, कुछ पिलो कवर्स और कुछ कुशन कवर्स हैं, बस इतना ही चाहिए हमें बेड को बहुत सारे अलग अलग तरह से स्टाइल करने के लिए। कैसे? आज के वीडियो में मैं आपको यही दिखा रही हूँ। एक सुंदर बेड की नींव होती है सुंदर चादर। मैं टैंजरीन कंपनी की चादर यूज़ कर रही हूँ। ये बेहद सॉफ्ट है, बहुत ही कंफर्टेबल है, हाई क्वालिटी है और समुंदर के रंग मुझे बेहद पसंद हैं, इसीलिए ये कलर्स भी बहुत सुंदर हैं। तो ये है हमारा बेड, शुरू करते हैं। चादर को बेड के ऊपर अच्छी तरह बिछा लीजिए। अब दीवार या हेडबोर्ड के साथ वाला जो बेड का किनारा है उधर से शुरू कीजिए चादर को मैट्रेस के नीचे दबा देना। कोनों पे हम करेंगे एक हॉस्पिटल टक या मिलिट्री टक। इसके लिए एक किनारे को अंदर टक कर लीजिए, दबा दीजिए। फिर कोने पे आइए, कोने को ऐसे फोल्ड करिए ताकि 45 डिग्रीज का एंगल बन जाए। फिर नीचे टक करिए, ऊपर के हिस्से को वापस नीचे लाइए और एकदम नीट टक बन जाता है। चारों कोनों पे यही प्रक्रिया दोहराइए और ये बन गया एक बहुत ही खूबसूरत सा बेड का बेस। थोड़ा सा रिलैक्स कर लें और अब हम ऐड करते हैं मैचिंग पिलोज। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा बेड, पर सिंपल से हमारा मन कहाँ भरेगा। तो मैं टैंजरीन का दूसरा बेड सेट निकाल रही हूँ और इस बेड सेट में से कुछ चीज़ें हम इस बेड सेटिंग में इस्तेमाल करेंगे। इस बेड सेट में बहुत खूबसूरत पिंक कलर्स हैं, सॉफ्ट है और बहुत ही खूबसूरत प्रिंट है। प्रिंट्स ऐड करना एक बहुत ही आसान तरीका है अपने बेड को और खूबसूरत बनाने का। देखिए सिर्फ इन पिलोज से आप कितने अलग अलग तरह से अपना बेड स्टाइल कर सकते हैं। तो अब हम अपने बेड पे और स्टाइल और इंटरेस्ट ऐड करने वाले हैं कुशन्स के साथ। ये कुशन्स हैं टैंजरीन से जो ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं और आए हैं। जब आए तो इतने पतले थे और खोलने पे ये एकदम फ्लफी और सॉफ्ट हो जाते हैं। मुझे इनके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आया। तो अब चढ़ाते हैं इन पे कवर्स। मेरे पास 3 कुशन कवर्स का सेट है, इसमें से 2 मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तीसरा इसलिए इस्तेमाल कर नहीं रही क्योंकि इसमें फूल बने हुए हैं और कुशन कवर्स पे भी अगर बहुत बोल्ड प्रिंट होगा तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम इसे सिंपल रख रहे हैं और सिर्फ पिलो कवर्स पे प्रिंट रख रहे हैं। तो कुशन्स बनाते हैं बेड को और सुंदर और कम्फर्टेबल। अब भी मन ना भरा हो तो हम ऐड कर रहे हैं एक कांथा वाली बेडशीट। इस बेडशीट को मैं एकदम एंड में नीचे फोल्ड कर रही हूँ। ये बहुत ही सुंदर कलर्स में है जो एकदम हमारे बेड के साथ मैच करती है और इसीलिए ये इसे और सुंदर और इंटरेस्टिंग बना देगी। इसे सिर्फ फोल्ड करके छोड़ देना है। चलिए अब फिर से शुरुआत करते हैं। हम नीचे की बेडशीट बदल रहे हैं और दूसरी पिंक वाली बेडशीट हम यूज़ करेंगे अब, पर कुशन कवर्स और पिलो कवर्स हम सेम रखेंगे, मिक्स एंड मैच करेंगे। बेडशीट उसी तरह बिछा लेंगे और इस बार हम प्रिंट्स को एकदम सामने रखेंगे ताकि कलर्स और प्रिंट्स एकदम खिल के दिख जाएं। अब हम इस पे ऐड करेंगे कम्फर्टर या रजाई। मेरी रजाई के दोनों साइड्स पे अलग अलग रंग हैं, ये टैंजरीन से है। दोनों ही बेहद खूबसूरत रंग हैं और पहले मैं एक तरफ यूज़ करूँगी और फिर दूसरी तरफ यूज़ करके स्टाइल करूँगी। तो आप अगर ऐसी रजाई यूज़ करें तो आप अलग अलग तरह से अपने बेड को स्टाइल कर सकते हैं एक ही रजाई के साथ। तो ये है कम्फर्टर के साथ हमारा लुक नंबर 1। अब हम इसे उल्टा करके यूज़ करेंगे। तो ये है हमारा लुक नंबर 2। क्योंकि मुझे ग्रीन रंग बहुत पसंद था तो मैंने इसे फिर से थोड़ा सा फोल्ड कर दिया ताकि थोड़ा हरा रंग फिर भी दिखे। तो अब मेरा आखिरी और सबसे फेवरेट बेड स्टाइल करने का तरीका जो कांथा बेडशीट है, अब हम उसे उल्टा बिछा रहे हैं। जो सीधी तरफ है वो बेड की साइड है, उल्टी तरफ ऊपर है। इसे बिछा देने के बाद हम रजाई या कम्फर्टर कांथा बेडशीट के ऊपर डालेंगे।
ऊपर डालने के बाद इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दीजिए और फिर हम कंफर्टर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड इस तरह करेंगे ताकि नीचे की बेडशीट जो है वो थोड़ी सी दिखे ऊपर से, और इस तरह फोल्ड करने से आपका पूरा बेड इतना इंटरेस्टिंग, कोजी, वार्म, इनवाइटिंग लगने लगता है। तो मैं आशा करती हूँ आज का बेड के फोकस वाला वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो मुझे थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वापस आते रहिए।